अच्छा, इस लेसन में हम मज़ीद पढ़ेंगे। बुक मार्क हमने देख लिया था, क्रॉस रेफरेंस भी हमने देख लिया। अब हीडर और फुटर मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे लगते हैं वो। ये बिल्कुल आसान भी है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैंने आपको दो तरीके से बताई है कि इंग्लिश में और उर्दू में आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए हीडर और फुटर कैसे सेट कर सकते हैं। पेज नंबर पे आते हैं तो पेज नंबर भी मैंने हीडर में ही बताया था, लेकिन बहरहाल अगर आप और देखना चाहते हैं तो, अगर सिर्फ आप डॉक्यूमेंट है आपके पास, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो बुक नहीं है या बुक नहीं बनाना चाहते और सिर्फ आप उस पर पेज नंबरिंग लगाना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ से कोई भी स्टाइल अप्लाई करके बस ओके कर दें, आपके पेज पे नंबर लगने शुरू हो जाएंगे। टॉप ऑफ पेज या बॉटम ऑफ पेज, जहाँ आपकी मर्ज़ी। पेज के बॉटम पे लगाना चाहते हैं तब भी ठीक है, टॉप पे लगाना चाहते हैं तब भी। अच्छा, पेज के मार्जिन जो हैं वो अगर आपने सेट करने हैं, एक्सेंट बार लेफ्ट, एक्सेंट बार राइट, वर्टिकल लेफ्ट, वर्टिकल राइट, एक्सेंट बार लेफ्ट पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें पेज नंबर 6, ये भी पेज नंबरिंग का एक तरीका है, यहाँ से भी पेज का नंबर आ गया। मैं एस्केप दबा देता हूँ, ठीक है, ये पेज का नंबर एक्सेंट बार भी आ गया। ये ऊपर से नीचे जो सीधी लाइन होती है इसको एक्सेंट बार कहते हैं, और ये लेफ्ट साइड पे, यही आप राइट साइड पे भी लिख सकते हैं और बॉटम पर भी आप लगा सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड दबा देता हूँ, मैंने सॉरी इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और जहाँ लिखा हुआ था पेज नंबर, तो दोबारा आते हैं करंट पोजीशन, नहीं पेज मार्जिन, तो लगाना है तो यहाँ से राइट भी लगा सकते हैं, वर्टिकल लेफ्ट और वर्टिकल राइट, जहाँ आपका जी चाहे, बॉर्डर लेफ्ट और बॉर्डर राइट, लार्ज लेफ्ट वगैरह वगैरह, इनमें से कोई भी स्टाइल आप अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये एरो लेफ्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो देखें ये पेज नंबर इस तरह आ गया। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से पेज का जो नंबर है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब इंसर्ट पे गया और दोबारा हम देखते हैं कि पेज का नंबर और क्या क्या है। करंट पोजीशन का मतलब यह है कि जहाँ आपका कर्सर मौजूद है, अगर आप हीडर आपने ओपन किया हुआ है, जैसे मैं यहाँ ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, हीडर ओपन है, और मैं टैब दबाता हूँ तो सेंटर में आ जाता है, टैब दबाता हूँ तो राइट साइड पे कर्सर आ जाता है। जहाँ आपका जी चाहे आप यहाँ राइट साइड पे भी लगा सकते हैं पेज नंबर, सेंटर पॉइंट में भी और लेफ्ट में भी, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी का नंबर लगाना चाहते हैं। मैंने नंबर लगा दिया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ पेज नंबर, यहाँ ये ऑप्शन यहाँ भी मौजूद है, करंट पोजीशन पे क्लिक किया और सिंपल सी बात है, ये जो पहला ऑप्शन है प्लेन नंबर, इस पे क्लिक कर दिया तो देखो ये पेज का नंबर खुद ही आ गया, लेकिन 16 नहीं है, पेज नंबर मेरे पास 6 है, मैंने डिलीट कर दिया, मुझे इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। इसमें और कोई ज़्यादा ख़ास बात नहीं है। अच्छा, इंसर्ट पे जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स जो है बड़े काम की चीज़ है, ये बहुत सारी जगहों पे आपके काम आएगा। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट बॉक्स हैं, आप अगर देखें तो सैम्पल सिंपल टेक्स्ट बॉक्स में ले लेता हूँ। यहाँ आप इंग्लिश लिखें, उर्दू लिखें, कुछ भी लिखें, इसको आप डिज़ाइन कर दें। आप इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स इज़ हियर, आप इसमें कुछ भी टेक्स्ट लिखें, इसका साइज़ छोटा बड़ा करें, ठीक है, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, देखते हैं कि क्या करता है। कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ तो इसी बॉक्स में सेंटर अलाइनमेंट हो गई। इस बॉक्स को मैं ऊपर, यहाँ इसके ऊपर ले आता हूँ तो आप देखें इसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इसने छुपा दिया, और इसका बॉर्डर भी नज़र आ रहा है। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। शेप फिल, ये जो शेप बना हुआ है रेक्टेंगल शेप है, इसके अंदर जो फिलिंग कलर है वो कौन सा होना चाहिए, आप वाइट रख दें या नो फिल पर क्लिक कर दें, तो देखें ट्रांसपेरेंट हो गया, अभी बैकग्राउंड पीछे नज़र आ रहा है, पीछे जो टेक्स्ट था। शेप का जो आउटलाइन है, ये जो बॉर्डर लाइन है ये ब्लैक कलर की, इसका कलर अगर नहीं रखना चाहते हैं तो ना रखें, रखना चाहें तो रखें, अपनी मर्ज़ी से चेंज कर दें, आप जिस तरह भी रखना चाहें आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, इसी तरह इसका डिज़ाइन वगैरह भी यहाँ से चेंज कर दें, ये इतना इसमें इतनी ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं, ये आप ख़ुद देख लें तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसी तरह है शेडो इफ़ेक्ट है तो इसको आप शेडो इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। खैर, हम इंसर्ट पे जाते हैं और हम टेक्स्ट बॉक्स जो है वो हमने देख लिया। इसी तरह आप उर्दू का टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं टेक्स्ट बॉक्स जो है हटा देता हूँ। अच्छा, अजीब बात, ख़ास बात यह है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो एडिटिंग होगी, लेकिन अगर आप इसके बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो अब एडिटिंग नहीं होगी, अब अगर आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे या बैक स्पेस
तो ये बॉक्स डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ आता हूँ, अब यहाँ पे मैं इंसर्ट पे क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स तो हो गया, क्विक पार्ट्स क्लिक कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने जहाँ उर्दू और इंग्लिश डॉक्यूमेंट में हीडर में डिज़ाइन कर रहा था वहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या क्या काम करते हैं, आप वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में मुख्तलिफ़ किस्म डिज़ाइन के वर्ड्स हैं, वर्ड के डिज़ाइन हैं, आप अपने पेज के हेडिंग पे कोई भी लगा सकते हैं। मैंने कोई एक सेलेक्ट कर दिया, अब एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें मैं टेक्स्ट लिखता हूँ वर्ड आर्ट डिज़ाइनिंग, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर दें, जो रखना चाहें रखें, और फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहें कर दें, नहीं करना चाहें ना करें। यहाँ आप उर्दू भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि आप इंग्लिश। मैं ज़रा पहले इंग्लिश अप्लाई करता हूँ, ठीक है, ये मैंने इंग्लिश अप्लाई कर दिया। इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फॉर्मेट में आके जो रैपिंग स्टाइल है, टेक्स्ट रैपिंग, इसको मैं स्क्वायर या टाइट वगैरह रख देता हूँ ताकि मुझे इसको कहीं भी एडजस्ट करने में आसानी हो, ठीक है। इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ। मैं ज़रा पेज नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, या फिर कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, एंटर दबाया एक दो बार, ठीक है, इंसर्ट पे आ गया। दोबारा मैं वर्ड आर्ट लेता हूँ और मैं ज़रा चेक करता हूँ कि क्या मैं उर्दू में भी इस तरह का डिज़ाइन अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। अच्छा, तो मैं यहाँ उर्दू टाइप करता हूँ, पहले मैंने कीबोर्ड चेंज कर दिया और मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट, क्या था, वर्ड आर्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग, एडिट वर्ड आर्ट, ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया टेक्स्ट। ओ वर्ड आर्ट, इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो मैं ज़रा देखता हूँ, जे जहाँ से जे शुरू होता है, ये आई जे, इनमें मैं देखता हूँ जमील, नूरी, नस्तालिक या नूरी कशीदा। ये जमील यूनिकोड, जमील, नूरी नस्तालिक, नूरी कशीदा, चले मैं कशीदा ले लेता हूँ, ठीक है, और ओके प्रेस करता हूँ डायरेक्टली, और कुछ नहीं करना है। अब मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया, लेकिन कंट्रोल जेड और जेड, टेक्स्ट वर्ड आर्ट, इसका जो टेक्स्ट है, अरेंज शेप, शेप चेंज करके देखते हैं, स्टाइल चेंज करके देखते हैं, ये टेक्स्ट पूरा क्यों नहीं दिखा रहा है। बहरहाल ये टेक्स्ट तो ये पूरा दिखाएगा, ये इस पर अप्लाई कर देते हैं, स्पेसिंग टाइट, नहीं स्पेसिंग इसकी नॉर्मल रखते हैं, नॉर्मली रख देते हैं। अच्छा, पोजीशन इसकी सेंटर पॉइंट, सॉरी पोजीशन को छोड़ देते हैं, रैपिंग टेक्स्ट इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये रैपिंग का ही प्रॉब्लम था, ये ऊपर वाले टेक्स्ट के नीचे आ रहा था, सही है, या इसके ऊपर आ रहा था। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इस स्टाइल में अगर इस पे जो जमील नूरी नस्तालिक ख़त है अप्लाई नहीं होता तो मैं कोई दूसरा स्टाइल इस पर अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर एडिट टेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं देखता हूँ कि जमील, जमील नूरी नस्तालिक ही लगा देते हैं, ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब मैं शेप फिल या शेप आउटलाइन, ठीक है, बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। टेक्स्ट जो है वो आउटलाइन में ही मैंने डिज़ाइन इंसर्ट कर दिया। तो इस तरह आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं टेक्स्ट वर्ड आर्ट। तो इसके बाद क्या है, ड्रॉप कैप जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है, ज़रा हम ड्रॉप कैप देख लेते हैं कि ड्रॉप कैप क्या काम करता है। ड्रॉप कैप आपने अखबारों में देखा होगा कि पैराग्राफ में जो सबसे फर्स्ट लेटर होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है साइज़ में, ये देखें, इन मार्जिन ड्रॉप्ड,
ड्रॉप पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, इसका साइज़ अगर आपने मज़ीद बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका साइज़ कॉर्नर से पकड़ के बढ़ा दिया। ठीक है, ये डिज़ाइन होता है, आपने अखबारों वगैरह में मैगजीन्स में देखा होगा, ये ड्रॉप कैप होता है। इसमें और कुछ नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो ऑप्शंस हैं, सिग्नेचर लाइन और डेट एंड टाइम, ये आप कोई भी, अच्छा ऑब्जेक्ट है कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये दो चीज़ें हैं, इक्वेशन एंड सिंबल, इनको मैं हमने समझना ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह ड्रॉप कैप था इसी तरह ये भी ज़रूरी है। इक्वेशन में तो ये है कि हम जो फार्मूलाज वगैरह लगाते हैं ये उसके लिए काम आता है। ये देखें, ये मुख्तलिफ किस्म के एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है। इसी तरह दूसरे बायोनॉमिनल थ्योरम का फार्मूला है, एक्सपेंशन ऑफ सम इसका फार्मूला है। ये बहुत सारे जो मैथमेटिक्स फार्मूले होते हैं उनको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, और उसमें वैल्यूज़ चेंज करके पूरा क्वेश्चन या आंसर लिखना हो तो लिख सकते हैं। जैसे मैं ये इंसर्ट करता हूँ, ये मैंने इंसर्ट कर दिया, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वगैरह। इस तरह इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसकी जगह। तो ये इक्वेशन इसी के लिए होता है। और इसमें मज़ीद आपने एडिटिंग करनी हो तो यहाँ से आप एडिटिंग करते हैं। मुख्तलिफ इसमें मज़ीद आपने सिंबल्स ऐड करने हो तो यहाँ से आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, कोई भी सिंबल आपको चाहिए हो। जैसे ये डिग्री सिंबल है, ये क्या है, डिग्रीज फारेनहाइट है, ये सेल्सियस है, और इसी तरह ये जो सिंबल है क्या है, इंक्रीमेंट है, और ये नेबला है, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारे सिंबल्स हैं, जो भी हैं आप देख लें, इनके नेम भी ये शो करता है। इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, और फोर्थ रूट हो गया, क्या है कि क्यूब रूट हो गया। इसी तरह आपने अगर सिर्फ फ्रैक्शंस जो हैं इंसर्ट करने हैं तो ये देखें, फ्रैक्शंस के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के सिर्फ फ्रैक्शंस भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई भी फ्रैक्शन आप उठा लें, ये देखें, और उसको आप उठाए इंसर्ट कर सकते हैं, पाई अपान आर वगैरह। इसी तरह क्या लिखा हुआ, स्क्रिप्ट, आप किसी भी किस्म का स्क्रिप्ट लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम केमिस्ट्री के फार्मूलाज लिखते हैं उसमें सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, बाज़ औक़ात एक एक फार्मूले में दोनों की ज़रूरत होती है, तो वो यहाँ मौजूद है। अच्छा, इसी तरह रेडिकल आपने फार्मूलाज लगाने हैं, ठीक है, तो ये भी यहाँ मौजूद है। इसी तरह क्या है, इंटेग्रल फार्मूलाज हैं, तो ये भी मौजूद हैं। इनमें से आप कोई भी डिज़ाइन लेकर उस पर आप एडिटिंग कर सकते हैं। लार्ज ऑपरेटर्स हो गए, और इसी तरह क्या है, ब्रैकेट्स हो गए, मुख्तलिफ किस्म के ब्रैकेट्स आप ले सकते हैं। फंक्शंस हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट और क्या है वगैरह वगैरह। अच्छा, एक्सेंट हो गया, एक्सेंट के डिफरेंट वो सिंबल्स हैं वो आपने लेने हैं, लिमिट एंड लॉग है, और इसी तरह ऑपरेटर्स आपने लेने हैं। ये कोई भी आप, अच्छा मैट्रिक्स सिस्टम जो हैं उनके लिए फार्मूलाज आप इंसर्ट करना चाहें, या इसी तरह रेशो फार्मूलाज हैं, 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बिल्कुल सिंपल है, सिंपल तो नहीं है, इसमें एडिटिंग करना थोड़ा सा उस पर टाइम लगता है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे लिखे होते हैं और कर्सर को मूव करने में वक्त लगता है, इसमें ये चीज़ें हैं। इसी तरह हम नीचे आते हैं, हमें सिर्फ सिंबल्स चाहिए तो सिंबल्स हम यहाँ से लगा सकते हैं, कोई भी सिंबल आप यहाँ से उठा सकते हैं, जो सिंबल आपको चाहिए, नहीं तो मोर सिंबल पर क्लिक करके मज़ीद आप सिंबल्स यहाँ से डायलॉग बॉक्स से उठा सकते हैं। इसमें जो लिस्ट बनी हुई है इसमें अगर आप बिल्कुल आखिर पे जाएँ, आखिर से ऊपर आ जाएँ, तकरीबन विंडिंग्स और वेबडिंग्स के नाम से सिंबल्स होती हैं, उसमें आपको हर किस्म का सिंबल मिलेगा। डब्ल्यू की सीरीज़ में आते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू, अच्छा डब्ल्यू की बिल्कुल शुरू में होता है, तो डब्ल्यू के शुरू में ग्रीक, अरेबिक वगैरह, ये देखें, ये विंडिंग्स हैं। विंडिंग्स पे मैं क्लिक करूँ तो ये डिफरेंट जो है वो क्या है, शेप, वो हैं सिंबल्स हैं। इनमें से कोई भी सिंबल आप उठा सकते हैं, जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट में आपको इन सिंबल्स की ज़रूरत है आप लगा सकते हैं। इसी तरह विंडिंग्स 2 है और 3 है, इनमें से कोई भी ले सकते हैं भाई आप। ठीक है, 4 हो गया, सॉरी 3 पे मैं क्लिक करता हूँ, ये भी बहुत सारे वो हैं सिंबल्स हैं, मैथमेटिक्स में या दूसरे इक्वेशंस वगैरह में इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो उनमें से इंसर्ट पे क्लिक करें। सॉरी, मैं यहाँ पे आता हूँ बॉक्स में, ये कॉपीराइट का सिंबल है, इंसर्ट पर मैंने क्लिक कर दिया और क्लोज़ कर दिया, ये देखें यहाँ पर खुद ही लग गया।
अब जहाँ जहाँ मुझे चाहिए होगा यही तो मैं इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो लर्नर्स, ये हमने इंसर्ट देख लिया कि इंसर्ट में हम क्या क्या सीख सकते हैं। कवर पेज और ब्लैंक पेज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और पेज ब्रेक भी मैंने आपको बता दिया कि पेज, अच्छा पेज ब्रेक के फ़वाद थोड़े से सुन लें। पेज ब्रेक का फ़ायदा ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपने ये टेबल लिखा हुआ है, जहाँ आप इस किस्म का जदवल बनाएंगे उसके लिए ज़रूरी है कि उससे पहले और इसके बाद आप पेज को ब्रेक कर दें बिल्कुल। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये एक अलग पेज पे आ जाएगा, और अगर आपका पिछले पेज पे या अगले पेज पे टेक्स्ट ज़्यादा या कम हो रहा है तो उसकी वजह से ये जदवल डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि बाज़ अवकात जब ये डिस्टर्ब हो जाता है टेक्स्ट ज़्यादा होने की वजह से तो ये पेज पर पूरा नहीं आता, इसके कुछ मेन्यूज़ या कुछ कंटेंट्स वगैरह वो गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए इससे पहले और इसके बाद पेज को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो आज तक का लेसन इतना ही काफ़ी था, नेक्स्ट लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।